क्लास स्टार्ट करूं बेटा मैं, ठीक है। हाँ, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की, ठीक है। मेजरमेंट ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? देखो, दो चीजों का आप आपस में कंपैरिजन करते हो। जैसे आप क्या कहते हो, आप घी मेजर करते हो, तो आप क्या करते हो, एक साइड से आप लोग ताकड़ी बोलते हो देसी भाषा में, ठीक है। हाँ, तो एक साइड आप लोगों ने घी रखा और एक साइड आप लोगों ने बाट रख दी, और उन बाट की हेल्प से आप कर क्या कर लेते हो, मेजरमेंट कर लेते हो, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्यों करते हैं, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं बेटा, वर्ड सुना होगा बार बार, क्वांटिटी। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्वांटिटी मीन्स ए थिंग, थिंग मतलब वो चीज, थिंग मतलब वो चीज, ए थिंग विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, वो थिंग जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी किसे कहते हैं बेटा, ए थिंग विच कैन बी मेजर। आज प्रीति सिहाग नहीं आई है अभी तक, प्रीति सिहाग, ठीक है। ए थिंग विच कैन बी मेजर क्या कहलाएगा आपका, क्वांटिटी, ठीक है। फिजिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं, यस, हाँ हाँ सुनिए, फिजिक्स में हम यूज करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी वर्ड, मतलब दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट मेथड से हम उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा आगे से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे नोट करिए, और इसको नोट करिए, ठीक, मतलब वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। हम फिजिक्स में इनकी किसकी बात करते हैं, बस स्क्रीन शॉट ले लो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीन शॉट सबने, हाँ। अब फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपके दो टाइप की होती है, थोड़ी देर में अच्छे से समझ आ जाएगा सभी को, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। अब आपको धीरे से अब समझ आएगा मैं क्या कहना चाहूं। एक होती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक होती है बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, उनसी होती है दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन दी अदर क्वांटिटीज, मतलब कि दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन दी अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर बच्चों डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो क्वांटिटी, प्रीति कल नहीं आई थी, प्रीति सियाग कल तो क्लास में नहीं थी। दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन दी अदर क्वांटिटीज,
नहीं करती। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैं कहूं मास, एग्जाम्पल इधर लिख दो, देखो इधर एग्जाम्पल, ये बाद में लिख लेंगे, इधर एग्जाम्पल देखो, सच दैट मास, लेंथ एंड टाइम, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, उसे क्या कहते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास है, मास किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है नहीं, लेंथ है नहीं, टाइम है नहीं, करंट इंटेंसिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दीज आर सेवन होती है बेटा। वैसे ये कितनी होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी सेवन, इतना नोट करो, मैं इधर लिखती हूँ एक बार, मैं ये सेवन होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इतना नोट करिए। हाँ मैं लिखती हूँ, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे कहते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। इतनी बात क्लियर। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इतना लिख लिया ना सबने, जैसे हाँ एक मिनट एक मिनट, फंडामेंटल की एग्जांपल लिखो, फंडामेंटल की एग्जांपल, ये सेवन होती है फंडामेंटल, ये कितनी क्वांटिटी होती है बेटा, ये सेवन, कौन कौन सी, मास, लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लिख लो इंटेंसिटी, ठीक है, और सातवां है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सेवन क्वांटिटी होती है बेटा जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आपको ये समझ आएगी ड्राइव्ड के बाद, मैं क्या इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको देखो ड्राइव्ड बताती हूँ। हाँ एक सेकंड बस, अभी जस्ट इसको माइंड में रख लो, ये सेवन होती, अब आपको ये मीनिंग समझ आएगा ड्राइव्ड समझने के बाद, इतना नोट करो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं ड्राइव्ड में बात करती हूँ। ड्राइव्ड मतलब दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उसे कहते हैं बेटा ड्राइव रूल। जैसे मैं कहूँ स्पीड, बेटा देखो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड है स्पीड आपकी। स्पीड क्या है, जो ड्राइव हो, देखो ड्राइव जो ड्राइव हो किससे, फंडामेंटल्स, जो कि फंडामेंटल से निकल के आए, फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बनने से जो क्वांटिटी बनती है उसे कहते हैं बेटा ड्राइव क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा स्पीड, मैंने कहा फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ऐसी क्वांटिटीज बहुत सारी होगी ये जितनी भी तुमने आज तक पढ़ी है, ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बच्चों, उसे कहते हैं आप ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे आपने कहा स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, और भी जो भी आपने पढ़ी है, तो वो सभी क्या है बेटा आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बने, डेंसिटी, यस दृष्टि, डेंसिटी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, डेंसिटी भी लिख लो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ, वेरी गुड सृष्टि, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था बेटा, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज बेटा जो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बने, उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और फंडामेंटल ये तो देखो, मास तो मास है इसमें, ये तो किसी से मिलके बना ही नहीं हुआ, लेंथ 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 ही है, ये किससे मिलके बना है, ठीक है, टेम्परेचर टाइम, टाइम है, टेम्परेचर टेम्परेचर
जैसे आप कोई CFL खरीदते हो या कोई बल्ब खरीदते हो तो उस बल्ब के ऊपर लिखा रहता है दिस CFL या दिस बल्ब हैव दिस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अभी डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपकी देसी भाषा में समझाते हूँ। चमक, ग्लो, कितनी ब्राइटनेस है उसकी, उसका मीनिंग होता है बेटा इंटेंसिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, हाँ कौन सा नहीं दिख रहा बेटा, मैं बोल देती हूँ एक बार, ये नीचे ये नहीं दिख रहा इधर, मैंने एग्जांपल दिए हैं ड्राइव के, स्पीड, स्पीड मतलब बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ड्राइव क्वालिटी कौन सी है बेटा, जो फंडामेंटल से मिलके बने, जो किससे मिलके बनेगी बेटा, फंडामेंटल से। ठीक है, क्लियर इतनी बात सबको, फिर से रिपीट करती हूँ, हमने क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी क्या होती है, ऐसी क्वालिटी वर्ड किसका मतलब क्या है, क्वांटिटी वर्ड का मीनिंग है जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम दो आपस में कंपैरिजन कर सके दो चीजों के साथ। मेजरमेंट मतलब हम दो चीजों का कंपैरिजन का, ताकड़ी बाट से हम घी मेजर करते, तो बाट के कंपैरिजन से हमने घी को मेजर कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी बेटा, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर पर बच्चों डिपेंड ना करे, जो किसी अदर पर डिपेंड ना करे, ये 7 डिफाइंड है बेटा हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, और आपके पास ड्राइव जो फंडामेंटल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बने, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी बेटा, ड्राइव क्वांटिटी कहलाएंगी। सबको क्लियर ये बात, सभी को समझ आया, एक बार रिस्पॉन्स दे सभी बच्चे, समझ आ गया सबको बेटा, हाँ सही बच्चों को इतनी बात समझ आई, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे, इतना हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, हाँ आगे देखो, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे बेटा यस या नो में, आगे है बेटा आपके पास। अब मैं एक वर्ड पूछती हूँ आपसे, मेजरिंग प्रोसेस, एक वर्ड आता है बेटा आपका मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस मतलब उस क्वांटिटी का सेम यूनिट से हम क्या करें, कंपैरिजन करें, सेम यूनिट से बच्चों क्या करें हम लोग, कंपैरिजन। जैसे मैं एक वर्ड पूछती हूँ इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, आप लोग बताओ, आप लोग स्टार्ट 10th क्लास से पढ़ रहे हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं बेटा, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बताओ मुझे, आप कहते हो स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन में आपने कहा दो क्वांटिटी, आपने कहा स्केलर क्वांटिटी, आपने दो वर्ड पढ़े हैं स्केलर और वेक्टर, आप कहते हो दो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसे कहते हैं आप स्केलर, दो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे आप क्या कहते हैं, वेक्टर, यही कहते हैं ना आप। तो आप बताओ मुझे मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या है, तुमने पढ़ा कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, तो मुझे उस वर्ड जो आपने वर्ड बोला ना मैग्नीट्यूड बेटा, तो उस मैग्नीट्यूड वर्ड का मीनिंग बताओ मुझे आप सब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण, नहीं समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझाओ, यस हाँ हाँ यस, देखो आप दुकान पे जाके कहते हो बेटा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, आप कहते हो दुकान पे आजकल आम का सीजन है तो आप कहते हो 5 किलोग्राम आम दे दो, ठीक है ऐसे बोलते हो ना आप दुकान शॉप पे जाके, तो आपके पास मैग्नीट्यूड को क्यों से डिनोट कर लिया, मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, मैग्नीट्यूड मतलब बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, यस यस न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, जैसे आपने कहा कि 5 किलोग्राम, आपने कहा 5 किलोग्राम आलू दे दो, आम दे दो, इस तरह की आपने बात करी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस नहीं बेटा सृष्टि,
न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने कहा दुकान पे जाके 10 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है, तो आपने 10 मीटर क्लॉथ की जब बात करी तो आपने लिखा 10 मीटर, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। मीटर क्या है बेटा, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। हाँ, इसी तरह जैसे आपने कहा 5 किलोग्राम चीनी दे दो, आलू दे दो, आम दे दो, तो 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम क्या है उनकी यूनिट बता रहा है, किलोग्राम क्या बता रहा है आपको, यूनिट। तो ऐसे क्वांटिटी जिसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। आप कहते हो स्कूटी का मैग्नीट्यूड इतना, स्कूटी इतनी स्पीड से चल रही है, आपने कहा स्कूटी की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर हावर। क्या कहा, 4 किलोमीटर पर हावर, तो आपके पास 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर पर हावर उसकी यूनिट है स्पीड की, किलोमीटर पर हावर उसकी यूनिट है बच्चों, समझ आया। तो मैग्नीट्यूड वर्ड किसे कहते हैं, ये वर्ड ध्यान रहेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई यूनिट, ठीक है। हाँ, इतना नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यस ले ले बेटा। आगे देखो, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा अब डिफाइन कर देती हूँ मैथमेटिकली। तो आपने कहा मेजरमेंट मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, ठीक है। तो आपने कहा माने एक क्वांटिटी है एन वन और दूसरे के लिए क्यू वन और दूसरे यू वन, उसका न्यूमेरिकल एन वन है, यूनिट क्या है यू वन है। दूसरी क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टू है और यूनिट क्या आपकी यू टू है, ठीक है। अगर मैं कहूँ बेटा इफ अगर मैं कहूँ क्यू वन बराबर है क्यू टू के बराबर है क्यू के, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ एन यू बराबर क्यू, तो आप क्या कह सकते हो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो मैं कह सकती हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, अगर यूनिट ज्यादा होगी, अगर मैं कहूँ इफ यू लार्ज, यू मतलब यूनिट, यूनिट क्या है बेटा लार्ज है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी एन क्या हो जाएगा कम, लेस हो जाएगा। उल्टा कह दो इफ यू क्या हो रहा है डिक्रीज, तो एन क्या हो जाएगा बेटा आपका इंक्रीज, क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। एक एग्जांपल से समझाते हो, बस स्क्रीनशॉट लो। हाँ, एक एग्जांपल से समझाते हो, बस ये क्या रिलेशन याद रखना, अगर यूनिट ज्यादा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। हाँ हाँ बेटा आर्यन, अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगी जब समझ आएगी। मैंने कहा मान ले दो क्वांटिटी है, एग्जांपल से समझो, चलो फिर बताती हूँ। अब एग्जांपल ही देखो पहले तुम लोग, एग्जांपल ही लो। जैसे मैंने कहा आपके पास 3 किलोग्राम, एक क्वांटिटी है क्यू वन वो किसके बराबर है 3 किलोग्राम के, ठीक है। हाँ बता रही हूँ आर्यन, देखो एग्जाम्पल देख, एक क्वांटिटी है कोई क्यू वन जिसकी वैल्यू कितनी है 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम है, तो इसके लिए क्या बना आपके पास ये 3N1 और किलोग्राम U1, ठीक है। हाँ 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 सुनो, दूसरी क्वांटिटी है बेटा Q2, उसको लिखा आपने 3000 ग्राम, क्या लिखा आपने 3000 ग्राम, तो देखो इसके लिए क्या बना 3000 क्या है बेटा N2 और ग्राम क्या है बेटा U2, ग्राम क्या है बेटा U2। एक क्वांटिटी है Q1, अब देखो आप कहो 3 किलोग्राम कहो या 3000 ग्राम कहो, एक ही बात है ना बच्चों, भाई आप 3 किलोग्राम कहो बच्चों या आप 3000 ग्राम कहो बेटा, एक ही बात है, बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से कि Q1 बराबर है बच्चों Q2 के, अरे 3 किलोग्राम या आपको 3000 ग्राम बराबर है या नहीं, बताओ आपस में बोलो बराबर है। अब सुनो, आपने कहा ये N1 है और ये U1 है, आपने कहा ये N2 है और ये आपका U2 है बेटा, ठीक है, यस। अब सुनो इधर, मैं इधर से हटा रही हूँ, आपने कहा नहीं दिख रहा नीचे तो दोबारा लिख देती हूँ, ये 3 किलोग्राम और ये 3000 ग्राम, आपने कहा बेटा ये N1 है ये U1 है, आपने कहा ये N2 है और ये आपका U2 है,
प्रोपोर्शनल है यू के। अगर यू ज्यादा होगा तो एन कम होगा बेटा। कैसे, इधर से स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सुनो, अगर यू ज्यादा है तो एन क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर यू इंक्रीज हो जाएगा तो एन डिक्रीज हो जाएगा, अगर यू डिक्रीज हो जाएगा तो एन इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सिंबल यूज कर रही हूँ ना मैं ऐसे, ये बता रहे इंक्रीज को और ये सिंबल बता रहा आपका डिक्रीज को। मैं इंक्रीज डिक्रीज ना लिख के सिंबल यूज कर रही हूँ, ठीक है। आप सुनो, हाँ एक सेकेंड, अभी समझ आएगा। देखो आप एक बार बताओ, आपने यहाँ कहा 3 किलोग्राम तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है बेटा, लेकिन किलोग्राम यूनिट बड़ी है या ग्राम यूनिट बड़ी है? तो किलोग्राम यूनिट बड़ी है ना। हाँ सुनो सुनो, अभी बता रही हूँ सुनो सुनो, एक बार इधर एग्जांपल को देखो, एग्जांपल देखो बेटा एक बार। हाँ सुनो, ये आपने लिखा 3 किलोग्राम, आपने लिखा किसके बराबर है, 3 किलोग्राम के, किसके बराबर है बेटा, 3 किलोग्राम। अब देखो 3 क्या है, छोटी वैल्यू है ना, और किलोग्राम बड़ी वैल्यू है। आपने दूसरे में लिखा 3000 ग्राम, तो देखो 3 ज्यादा या 3000 ज्यादा, एक बार बता दो बस मुझे, 3 ज्यादा या 3000 ज्यादा। तो देखो ये N1 है और ये N2 है, तो आपने देखा यहाँ पे कि N2 ज्यादा है N1 से, N2 ज्यादा है किससे बेटा, N1 से। हाँ रुको रुको, अब एक बार बताओ किलोग्राम बड़ा या ग्राम बड़ा बेटा, किलोग्राम बड़ा या ग्राम बड़ा? तो किलोग्राम बड़ा, तो आपने इसको कहा U1 और इसको कहा बच्चों आपने U2। तो आपने कहा अगर N2 ज्यादा है N1 से तो इसका मतलब U1 ज्यादा है किससे, U2 से। बस इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, 2 मिनट वेट करो। आपने कहा Q1 है बेटा 3 किलोग्राम, Q1 कितना है 3 किलोग्राम, ठीक है, और Q2 कितना आपका 3000। तो देखो N1 कितना है 3, N2 कितना है 3000। हाँ हाँ, तो आप क्या लिखा आपने, N2 ज्यादा है N1 से। क्या लिखा बच्चों आपने कि N2 ज्यादा है किससे, N1 से। तो देखो उल्टा यहाँ आया, क्या आया कि U1 बड़ा, किलोग्राम बड़ा है ग्राम से, तो आपने लिखा U1 ज्यादा है किससे, U2 से। इतनी बात क्लियर आई या नहीं आई? अगर N2 ज्यादा है U1 से तो U1 ज्यादा होगा U2 से। दिस पॉइंट इज क्लियर और नोट, एक बार मैसेज करे कि ये बात क्लियर हुई या नहीं सभी बच्चों को, कि अगर N2 ज्यादा होगा तो U1 ज्यादा होगा। बताओ ये बात क्लियर होगी सबको, बताओ जल्दी से इसका रिस्पांस दो, कि अगर N2 ज्यादा है N1 से तो U1 ज्यादा होगा U2 से। अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं बेटा, तो एक का न्यूमेरिकल नंबर बड़ा होगा तो दूसरे की यूनिट बड़ी होगी, एक का न्यूमेरिकल नंबर बड़ा होगा तो दूसरे की यूनिट बड़ी होगी। अब इस रिलेशन को देखो, मैं ऐसे लिखूं, मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि Q1 और Q2 बराबर है, क्योंकि देखो 3 किलोग्राम कहो या 3000 ग्राम कहो बेटा, तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 किलोग्राम बराबर है 3000 ग्राम के। तो मैंने इसको लिखा बेटा N1 U1 और इसको लिखा बेटा मैंने N2 U2, यही लिखा ना मैंने। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, N1 by N2 बराबर है U2 by U1 के। एक बार देखो, हाँ देखो राकेश बेटा चंचल, N1 by N2, देखो मैं इस रिलेशन को इधर ले आई, U2 by U1। हाँ सुनो, तो यहाँ से देखो ये क्या दिख रहा, ऊपर 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है। देखो एक बार रिलेशन में ध्यान से कंपैरिजन देखो, यहाँ 1 है बच्चों तो यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 1। इट मींस यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U के। बताओ, अरे लिख सकते हो या नहीं? अरे यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है, फिक्स 2, यहाँ क्या आया 2 तो यहाँ क्या आया 1, इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझते हो ना। अगर मान लिया ऐसे है x, ये तो डायरेक्टली है, अगर ये ऐसे लिखा है बच्चों तो ये इनवर्सली है। इनवर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और डायरेक्टली मतलब बच्चा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, यू के। मतलब यू बढ़ेगा तो एन घटेगा और एन घटेगा तो यू बढ़ेगा। बताओ क्लियर और नोट, बताओ आप मुझे ये बात। चंचल बताओ बेटा, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे कि ये बात समझ आई सबको। हाँ सभी बच्चे बताएं, किसी को डाउट है तो बताए मुझे। सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे बेटा इतना। चंचल आ गया, राकेश की आईडी से चंचल बेटा आया या नहीं आया? चंचल आपका डाउट था बताइए बेटा। ओके ठीक है, आप सीधे सीधे फटाफट लिख दूं मैं अब, ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया, अब मैं सीधा सीधा फटाफट लिखती हूँ। फटाफट देखिए जल्दी से, तो मैग्नीट्यूड का क्या कंसेप्ट आया बेटा आपके समझ में, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ठीक है, अगर Q1 है N1 U1 के तो Q2 क्या हो जाएगा बेटा N2 U2 के। इफ Q1 बराबर है Q2 के तो लिख सकती हूँ N1 U1 बराबर है N2 U2 के। तो मैं लिख सकती हूँ कि N1 by N2 बराबर है U2 by U1 के। इट मींस N इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U। ठीक है, इस रिलेशन से मैं कह सकती हूँ यहाँ से इफ एन वन ज्यादा है एन टू से तो यू टू ज्यादा होगा एन यू वन से। ठीक है, हाँ नोट कर लो ये सारे पॉइंट फटाफट शॉर्ट में, जो अभी तो एग्जांपल से लिख रहे थे ना, अब ये समझाने का तरीका सिर्फ यही था। यस मैक 3000 मींस बेटा क्या कहना चाह रहे हो? मैक्स 3000 का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आया बेटा मुझे, पूरा क्वेश्चन लिखो, टाइप करो क्लियर, ये जल्दी से शॉर्ट में लिख लो। हाँ अब आगे देखो, अब देखो मेजरमेंट को अब अलग अलग सिस्टम में करते हैं आप लोग। हाँ मेजरमेंट को बेटा आप अलग अलग सिस्टम में करते हो, आप लोग करते हो ना, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो। ठीक है, देखो आप लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हो, आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हो। ठीक है, तो अब इसी मेजरमेंट के अंदर नेक्स्ट स्टेप आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक आपने अपने लेवल में क्या लिखा बेटा, लेंथ को मीटर में मेजर करोगे आप, लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ को फुट में, ऐसे करते हो ना। तो इसके लिए एक एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए। क्यों, ये मेजरमेंट का सिस्टम क्यों आया बेटा? देखो इंटरनेशनल, आपका देखो इंटरनेशनल मार्केट चलती है बेटा। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, एक देश का दूसरे देश से व्यापार चलता रहता है, एक से दूसरे में चीजें सप्लाई होती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट की अपनी एक स्पेसिफिक यूनिट है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया के लोग कहेगा, इंडिया के लोगों की मेजरमेंट क्या थी, पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो दुकान पे जाके कहते थे भाई 10 हाथ कपड़ा दे दो। क्या बोलते थे? 10 हाथ कपड़ा दे दो। अब वो अमेरिका में जाके कहे कि मुझे 10 हाथ कपड़ा दे दो, तो हो सकता है अमेरिका के लोगों का हाथ छोटा हो बेटा, और उसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगी कि लेने वाले तो सोचेगा हाथ बड़ा करके लूं और देने वाला सोचेगा हाथ को छोटा करके दूं। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थी बेटा, ये दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो इसके लिए फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, फ्रांस का एक गांव था, उसमें एक मीटिंग हुई सभी देशों की, और एक इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें आपस में जाती है तो उसके लिए स्पेशल यूनिट डिफाइन हुई, उसे बोलते हैं आप लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसके बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनल मार्केट में वहां पे आया। ठीक है, अब जैसे मैं बात करती हूँ, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, एक होता था हमारा FPS, एक होता है FPS सिस्टम। क्या होता है FPS? इसका मतलब क्या है, हमारे पास तीन यूनिट को मेजर करेंगे, मास, लेंथ और टाइम की बात करेंगे। मास, लेंथ और टाइम। एफपीएस में लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, और पी पौंड, मास को इसमें मेजर करते हैं पौंड में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं सेकंड में। ये किसको बता रहा है लेंथ को, ये किसको बता रहा है मास को, और ये किसको बता रहा है टाइम को। एफपीएस सिस्टम, एक सिस्टम था पहला सिस्टम है बेटा एफपीएस सिस्टम, फर्स्ट
सिस्टम क्या है बेटा आपका? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पौंड में मेजर करते हैं, ठीक है, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में, ठीक है। एक सिस्टम होता है बेटा आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये लेंथ को बता रहा है, ये मास को बता रहा है और ये टाइम को मेजर करता है, ठीक है। अभी ऐसा ही सिस्टम में आएंगे बाद में, पहले सारे सिस्टम की बात करते हैं। एक होता है बेटा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम मैकेनिकल फिजिक्स में था ओनली। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, ये मीटर में, और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये लेंथ को बता रहा है बेटा, ये मास को बता रहा है और ये टाइम को बता रहा है। हाँ, अब सुनो, सबसे पहले ये सिस्टम डिफाइन हुए। यस यस, सुनो, सबसे पहले ये सिस्टम डिफाइन थे आपके तीन। एक आपका एफपीएस सिस्टम बच्चों, एक आपका सीजीएस सिस्टम और एक आपका एमकेएस सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, हाँ हाँ, अभी सारों की बात करेंगे। सुनो किरसन, अभी बताएंगे एमकेएस भी फेल हो गया था क्यों। देखो एफपीएस में क्या, अब इनकी लिमिटेशन थी कुछ, पहले ये डिफाइन कर दिए, अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन आई बेटा। क्या था? लेंथ को फुट में मेजर कर सकते, मास को पौंड में और टाइम को सेकंड में, लेकिन इसके साथ कुछ डिफिकल्टी थी। अगर वो तुम्हें खेत को मेजर करना है तो फुट में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें कमरे की लंबाई मेजर करनी है तो फुट में मेजर कर सकते हो। अब तुम्हें मान लिया पैन की थिकनेस मेजर करनी है, पैन की लेंथ मेजर करनी है, तो उसको तो फुट में मेजर नहीं कर सकते कि तुम्हें फुट का पैन चाहिए, बहुत बड़ी चीज होगी, यूनिट होगी। तो दिस सिस्टम इज वैलिड ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट्स को मेजर करने के लिए तो ठीक था ये सिस्टम, लेकिन स्मॉल में ये फेल हो गया। स्मॉल में ये सिस्टम आपका फेल हो गया आपसे, ठीक है। अब जैसे तुम्हें कहीं सुई की लंबाई मेजर करो तो क्या तुम फुट में मेजर करने लग जाओगे? तो दिस सिस्टम इज वैलिड ओनली फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सीजीएस में बेटा। सीजीएस में देखो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। लेकिन सीजीएस की भी क्या लिमिटेशन आई बेटा कि सीजीएस में देखो, अगर मैं कहूँ तुम खेत में जाओ और खेत को सेंटीमीटर में मेजर करने लग जाओ, तो क्या तुम खेत को सेंटीमीटर में मेजर कर पाओगे? तो ये जो सिस्टम था ये स्मॉल यूनिट्स के लिए तो ठीक था, लेकिन लार्ज के लिए वैलिड नहीं था। तुमसे कहे कि आपके पास क्वार्टर बनाने, बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग को सेंटीमीटर में मेजर करने लग जाओ, तो क्या बिल्डिंग सेंटीमीटर में मेजर होगी कभी? तो ये स्मॉल के लिए तो ठीक था ये सिस्टम, लेकिन लार्ज सिस्टम के लिए ये सिस्टम आपका वैलिड नहीं था। हाँ हाँ, सुनो आर्यन सुनो, लेकिन फिर भी हम स्मॉल के लिए आज भी इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल मेजरमेंट्स में हम सीजीएस सिस्टम को बच्चों आज भी यूज करते हैं, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को बच्चों सेकंड में मेजर करते हैं। इस सिस्टम में क्या था? ये सिस्टम ठीक था कि लेंथ मीटर इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड हुई था, लेकिन इसकी भी कुछ डिफिकल्टी थी। इसकी डिफिकल्टी क्या थी कि जैसा हम एसआई सिस्टम समझने के बाद बताएंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी। दिस सिस्टम आप अभी इतना याद रखो कि दिस सिस्टम वैलिड ओनली फॉर मैकेनिकल फिजिक्स ओनली। ये सिस्टम सिर्फ किस में वैलिड है बच्चों? ओनली इन मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है। हाँ, एक बार नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपका मेन सिस्टम एसआई सिस्टम पे आते हैं। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद ये आप अपने, देखो सभी देश आज भी अपनी अपनी अपने देश में आप अपनी मेजरमेंट करते हैं, सभी कंट्रीज करते हैं। जैसे इंडिया के लोग करेंसी को रुपए में मेजर करते हैं, अमेरिका के लोग डॉलर में मेजर करते हैं, ठीक है। सभी लोग अपने अपनी कंट्रीज में अपनी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों एक ही सिस्टम वैलिड है, वो है आपका एसआई सिस्टम, ठीक है। वो कौन सा सिस्टम है बच्चों? आपका एसआई सिस्टम, जो हम मेजरमेंट में यूज करते हैं। इतना नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एसआई सिस्टम पे आती हूँ, ठीक है। ये सारे मेजरमेंट के बाद फ्रांस में गांव में, फ्रांस के गांव में दोबारा से सभी देशों की एक मीटिंग हुई। उसमें इंटरनेशनल लेवल के लिए आपका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा गया कि इंटरनेशनल
मेंटल यूनिट है, ठीक है। अभी अभी जो मैंने बताई थी, सबसे पहले ये बेटा मास, मास को किसमें मेजर करता है एसआई सिस्टम में, किलोग्राम में। मास को किसमें मेजर करते हैं बेटा, किलोग्राम में। दूसरा है बेटा लेंथ, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं बेटा, मीटर में, किलोग्राम मीटर, ठीक है। और तीसरा है बेटा टाइम, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। ये सिंबल लिख रही हूं उसके लिए। चौथा था बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में। पांचवा था बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। छठा था बेटा आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को किसमें मेजर करते हैं बच्चों, कैंडला में। सातवां था बेटा आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल में मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन किसे मेजर करते हैं, मोल में। ये आपके सेवन फंडामेंटल यूनिट्स थी एसआई सिस्टम में, सेवन फंडामेंटल यूनिट डिफाइन की गई। हाँ एम्पियर में। हाँ सुनो, मास क्या आपका, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। एसआई इंटरनेशनल, मैंने कहा फ्रांस से गांव में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे जो आपके अदर कंट्रीज का सबका एक दूसरे के साथ लेना देना है, उसके लिए उस मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट वहां पे डिफाइंड हुई। वो क्या क्या थी बेटा, मास, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। लेंथ, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं बेटा, मीटर में। लेंथ को इंटरनेशनल मेजर पे लेवल पे मीटर में ही मेजर करते हैं। और टाइम को सेकेंड में बच्चों, और टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और इंटेंसिटी को कैंडला में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जिसकी आप बात करते हो, उसमें क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपके सेवन सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हर जगह आपकी वैलिड होगी, ठीक है। अब जैसे आपके पास देखो, ये सारी चीजें एमकेएस सिस्टम में भी यही थी। एमकेएस में हम बात करते थे सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की। ये सारी सिस्टम किसमें थी, एमकेएस में भी थी। सेवन ही है बेटा ये मेन, बाकी दो और भी आई है बाद में। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर ये सेवन फंडामेंटल यूनिट ही मेजर हुई है बेटा आपकी। यस यस बेटा, ठीक है। इसके अंदर अब देखो एमकेएस में भी यही बातें थी, लेकिन एमकेएस सिर्फ आपकी मैकेनिकल फिजिक्स में ही वैलिड है। मैकेनिकल फिजिक्स में बात करते हैं, एमकेएस में एक डिफिकल्टी थी। जैसे मैं कहूं एनर्जी की यूनिट की बात करूं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। एसआई सिस्टम में एनर्जी को जूल में ही मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम में एनर्जी को सिर्फ जूल में ही मेजर करते हैं। जो आप किसी भी साइंस में पढ़े, आप बायो में पढ़े, आप केमिस्ट्री में पढ़े, आप किसी भी साइंस में पढ़े, लेकिन एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे हीट, हीट एनर्जी की बात करें तो कैलोरी में लिखते हैं एमकेएस में। हीट एनर्जी की बात करें तो किसमें लिखते हैं, कैलोरी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी में बात करें तो वाट हावर में लिखते हैं। एमकेएस सिस्टम में, जैसे एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट की बात करूं तो क्या लिखते हैं, जूल, ठीक है। एसआई में तो जूल ही रहेगी एनर्जी की यूनिट, एसआई सिस्टम में तो एनर्जी की यूनिट ऑलवेज जूल ही रहेगी। लेकिन एमकेएस में क्या हुआ, अगर हीट एनर्जी की बात करूं तो कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए वाट हावर लिखते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है कि सेवन फंडामेंटल यूनिट्स थी आपकी, मास, लेंथ और टाइम्स। इनिशियली सेवन ही डिफाइन हुई थी, फिर बाद में सप्लीमेंट्री आगे आएंगे। अभी इनिशियली जब कॉन्फ्रेंस हुई तो आपके पास, तो उसके अंदर सिर्फ सेवन फंडामेंटल इंटरनेशनल मार्केट के लिए डिफाइन हुई। इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों को इसी में ही मेजर करते हैं, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपकी सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है।
यस हाँ नोट करिए एक बार जल्दी से। फिर उसके बाद फिर से ही मीटिंग हुई। अब मीटिंग होती रहती है बेटा, चीजें चेंज होती रहती है, तो कुछ से और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन करी गई। उसके बाद दोबारा से मीटिंग हुई और दोबारा से फिर दो सप्लीमेंट्री यूनिट, और सप्लीमेंट्री मतलब उसमें अलग से कुछ और ऐड कर देना, सप्लीमेंट कर देना मतलब अलग से कुछ और ऐड कर देना। हाँ अब बात करते हैं बेटा दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो क्या है बच्चों? आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये क्यों डिफाइन करी गई थी? मैंने बताया कि अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग मेजरमेंट है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया आपसे कि इंडिया के लोग तो इतना सा एक पत्थर लहर से छोटा सा पत्थर लेके जाते हैं, उसको पाव बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा दादी से, परदादी से कि एक पाव। अब अमेरिका में जाके कहोगे एक पाव घी दे दो, तो वो पाव वर्ड को समझते ही नहीं है। तो अलग अलग कंट्री की आज भी अपनी अपनी एक मेजरमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ही सिस्टम वहां पे क्या हुआ बच्चों? आपका डिफाइन हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सबको समझ आ गया। हाँ आगे देखो इसमें बेटा, अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई यहाँ पे। अब आपकी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हुई? सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब अलग से कुछ और ऐड कर देना, सप्लीमेंट कर देना अलग से कुछ और यूनिट। देखो आप कॉन्फ्रेंस होती रहती है, एक बार तो स्टार्टिंग में 7 डिफाइन होगी बेटा, स्टार्टिंग में 7 डिफाइन होगी। उसके बाद देखो अलग अलग बार बार मीटिंग चलती रहती है, चीजें चेंज होती रहती है, इंप्रूवमेंट होता रहता साइंस में। ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री, फिर दोबारा से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन हुई, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। एक थी बेटा वो दो सप्लीमेंट्री में, एक था प्लेन एंगल और एक था बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, रेडियन, और सॉलिड यूनिट की एंगल होती है बेटा स्टीडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीडियन, स्टीडियन क्या होती है आपकी? स्टीडियन होती है। तो प्लेन एंगल, एंगल तो मैंने समझाया था आपको, प्लेन एंगल जैसे मैंने कहा एंगल, ये आपके पास एक आर्क है जिसकी लेंथ एल, ये एंगल थीटा बना, ये आर, तो थीटा एंगल। प्लेन एंगल को क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लेन एंगल, मैं इधर लिख रही हूँ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। थीटा क्या लिखोगे? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा के आर क्या है? लेंथ बाई आर। तो प्लेन एंगल को किसमें लिखते हो? ये तो आपको पता है स्टार्टिंग में भी, प्लेन एंगल आर्क अपॉन में रेडियस। प्लेन एंगल मींस बेटा आर्क अपॉन रेडियस। तो वहां पे दोबारा से फिर 7 के बाद कॉन्फ्रेंस में दो और ऐड करी गई। कौन कौन सी थी बेटा? वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल को स्टेडियन में मेजर करते हैं और प्लेन एंगल को रेडियन में। तो ये प्लेन एंगल लिखो इतना, फिर सॉलिड एंगल समझाते हैं। इतना लिखो, हाँ फिर, हाँ हाँ फिर छोड़ देंगे आज, नोट करो इतना बस, सॉलिड एंगल और समझ लो। देखो सॉलिड एंगल क्या होगा बेटा? देखो सॉलिड एंगल जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल समझो, सॉलिड एंगल मतलब जैसे जो स्फीयर, कोई कोन है जो भरा हुआ है अंदर से, जैसे आपकी आइसक्रीम भरी हुई है अंदर से। ठीक है, या मैं कह दूं आपकी क्रिकेट की बॉल है जो कि अंदर से भरी हुई है फुल, इसका मैं एक छोटा सा पार्ट जब कट करूंगी तो सॉलिड फॉर्म में कट होगा, क्योंकि उसका कुछ सरफेस थिकनेस होगी डीएस, उसके लिए बात करेंगे सरफेस एरिया। और ये क्या होगी बेटा? आर। तो सॉलिड एंगल के अंदर क्या लिखेंगे? डीएस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब डीएस बाई आर स्क्वायर। अब जैसे मैं कंप्लीट के लिए बात करूं, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूं, यस रस्टी, जैसे मैं कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूं, जैसे आपके पास सॉलिड स्फीयर है पूरा है, तो देखो पूरे के लिए एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 4πr2। पूरे स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा? 4πr2, यस, और रेडियस आर का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल कितना आया? 4π। सॉलिड एंगल कितना आ गया आपका? 4π। तो स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना आया? 4π। वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। अब जैसे कोन का जो एरिया होगा उसको रेडियस से डिवाइड कर दो तो वो क्या मिल जाएगा?
बाय रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। और प्लेन एंगल में सिर्फ क्या करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। दिस पॉइंट इज क्लियर, इतना स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ।